सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय आई एम शफक, वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोस्को की। तो रोस्को की बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज इतना मेजरमेंट आपको बताती हूँ, आप उसी मेजरमेंट से अगर आप बनाते हैं तो रोस्को की आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप अगर इसमें कम ज़्यादा करते हैं तो रोस्को की आपकी बिगड़ सकती है। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदा ली है और एक अंडा लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 500 ग्राम मैदा में आप दो अंडे यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट आप इसका डबल कर सकते हैं। तो 250 ग्राम मैदा, एक अंडा, 100 ग्राम हमने यहाँ पिसी हुई चीनी ली है, इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम हमने यहाँ तेल लिया है, एक टीस्पून पिसी हुई इलायची ली है और क्वार्टर टीस्पून हमने यहाँ फूड कलर लिया है। बैटर तैयार करने के लिए पानी लेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ एक खाली बाउल लिया है। अब हम इसमें एक अंडा ये फोड़ देंगे। इसी में ये तेल डाल देंगे और इसी में हम ये डाल देंगे चीनी। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो अंडा, चीनी और तेल डालने के बाद में अब हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर और मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तरह हम इसे डालते जाएंगे और अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे। फिर से थोड़ा मैदा डालेंगे पानी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये फूड कलर। मिक्स कर देंगे। पानी डालेंगे। तो हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। तो इसे देखने के लिए ये देखिए, हमने एक चम्मच का इस्तेमाल किया है और इसे हम इस तरह देखेंगे। इसे हम ना ज्यादा पतला रखेंगे और ना ज्यादा गाढ़ा रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी ही रखें। ये देखिए, तो ये अपना बैटर तैयार हो गया है रोस्को की बनाने के लिए। और रोस्को की बनाने के लिए हमने यहाँ ये सांचा लिया है। तो ये सांचा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इससे हम रोस्को की बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है। तेल ना ज्यादा गर्म रखें और ना ज्यादा इसे ठंडा रखें, मीडियम तेल पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने ये सांचे को ले लिया है। सांचे को सबसे पहले हम कुछ सेकंड के लिए हम इसे गर्म करेंगे। अब इसे हम बैटर में इस तरह डिप करेंगे और इसे हम पूरा डिप नहीं करेंगे, यहाँ ये ऊपर की जगह हम खाली रखेंगे और इसे तेल में इस तरह हम डाल देंगे और हल्के हाथों से इस तरह हम ये तेल में ऊपर नीचे इस तरह से करते जाएंगे, ये आसानी से निकल जाए। अगर नहीं निकले तो आप हल्के हाथों से नाइफ से इस तरह से निकाल लें। बहुत आसानी से इस तरह फ्राई हो जाते हैं। इस तरह पलट कर भी हम सेक लेंगे। तो
इस तरह हम ये सारी रोस्को की तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये रोस्को की बनकर तैयार है। अब आप इसे शाम की चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में इसे खाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के टाइम पे आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। इसका मेजरमेंट आप बिल्कुल सही रखें तो ये रोस्को की बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी और ना ज्यादा पतली रखें। फ्राई करने के टाइम पे आप इसे मीडियम हीट पे ही फ्राई करें, ज्यादा हाई हीट पर इसे फ्राई ना करें। और फ्राई करने से पहले रोस्को के स्टैंड को आप जरूर हल्का सा कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लें तो आपकी रोस्को की बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छी रोस्को की बनी है। अगर आपको हमारी ये रोस्को की पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर हाजिर होते तब तक आप क्या करें?